गाइस, तो वेलकम, आप लोगों का फिर से स्वागत है। वैसे तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है वीडियो बनाने का, पर फिर भी क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं इसलिए सोच रहे हैं बनाने का। तो अब हम लोग आज बाहर जा रहे हैं, इधर इधर। और दोस्त कहाँ जा रहे हैं आज दीपक? बाहर यार। लेट्स गो। हेलो जी। मैं आपको चलो एक चीज बताती हूँ, ये बिल्कुल गली से बाहर निकलते ही हैं, यहाँ एक पब है पास में जो आजकल बिकॉज ऑफ ठंडा नहीं बिकॉज ऑफ गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा फुल रहता है। आपको पीछे दिख रहा होगा एंड होपफुली इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये वही है, और ये लोग जब कैमरा देखते हैं तो ये अफेंड फील करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। जैसा कि इन सब ने रिएक्ट किया, जबकि कोई रिएक्ट नहीं करता है जनरली जर्मनी में, अभी सब ने रिएक्ट किया। तो ये जो पब है ये कैसा है दीपक, थोड़ा एक्सप्लेन करो, तुम बता सकते हो ज्यादा। ये नुक्कड़ की, मैं जो हमारे यहाँ नुक्कड़ पे चाय की दुकान होती है ना, हाँ, वो है। मतलब बस यहाँ चाय की जगह लोग बियर पीते हैं। जो पहचान के लोग हैं वो वहाँ वही बैठते हैं, बस मोहल्ले के आसपास के लोग आके बैठ जाते हैं, मैच वैच देखते हैं और आते जाते लोगों को कमेंट पास करते हैं। ज्ञानबाजी यार इनके बारे में, उनके बारे में, चाय पे चर्चा, तो यहाँ बियर पे चर्चा होता है। चलो फिर आप दूसरी चीज दिखाते हैं आपको इंटरेस्टिंग को जर्मनी के बारे में। और थोड़े ही आगे निकलते हैं तो शॉर्मा शॉप हो जाती है, जहाँ पर हमारे टेस्ट का कुछ कुछ मिल जाता है। और क्योंकि यहाँ पर टर्किश लोग बहुत रहते हैं इस पर्टिकुलर टाउन में, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हम लोग खाते हैं लाइक पिज़्ज़ा एंड ऑल, वो मिल जाती हैं। तो दैट्स अबाउट इट। और इस तरफ है सिटी सेंटर जिसमें बहुत सारी शॉप्स होती हैं, और इस तरफ है क्या है दीपक? मार्क प्लास। और बिकॉज दीपक को इंटीरियर वगैरह और हाउसिंग वगैरह से रिलेटेड बहुत सारा इंटरेस्ट है, तो दीपक इस शॉप में रुक गया है। इस तरफ है गारमेंट की शॉप और पीछे आइसक्रीम की शॉप, बिकॉज आज ठंडी है तो सब कुछ बंद है। हाँ दीपक, कुछ बोलना चाहते हैं आप? किचन का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, रुको मैं दिखाती हूँ। वीडियो ऑन किया, इसको जूम हटाते जाना है आगे। तो गाइज, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हमने कुछ कुछ नई ट्रिक्स सीखी हैं, तो वो दीपक एक्सपेरिमेंट कर रहा है फ़ोन से, और उसके कुछ क्लिप्स आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखेंगे अगर अच्छे आएंगे तो। तो हम लोग आज वो आप लोगों के लिए ही, ताकि जो वीडियो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो उसके लिए दीपक कर रहा है देखो, और हमें सब पागल समझ रहे हैं, वो भी देखो। मैंने कुछ तीन ट्रांजिशंस जो है वो बहुत अच्छे से सीख लिए हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, उसके वीडियो ऑलरेडी मैं डाल दूंगी जब तक ये वाला वीडियो आएगा, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो दीपक कितना कर लिए सक्सेसफुल? कुछ तो ट्राई कर रहे हैं, मजा आ रहा है यार। मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताते हैं, मतलब बहुत इजी हो जाता है ना, और वो एक्चुअली वर्क करती है, तो आपको पता तो चल ही जाएगा वीडियो में कि कौन सी क्या है और कैसा लगा, वो ज़रूर कमेंट करना। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रिक अप्लाई करने, एक्चुअली अप्लाई तो नहीं, सीखने के लिए। तो ये हम अपनी फेवरेट जगह पर बैठे हुए हैं, ये है
चौबीस कुमंड की पवित्र नदी गंगा यहाँ की। बट है टाइम पास, लेकिन अच्छा वेदर है ना। सडनली कैसा चेंज हो गया ना, अभी एक वीक पहले इतनी गर्मी थी, कि हालत ख़राब हो रही थी, और अब सबकी जैकेट्स बाहर आ गई, ठंडा हो गया। पर मतलब अपन जैसे इंडियंस के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है ना दीपक। शानदार। सो वी आर एंजॉयिंग एंड यू। ये दीपक टाइम लैप्स ले रहा है इसका। यहाँ का वो है नगर पालिका का अध्यक्ष, क्या क्या बना रहता है, बिच्छू देख ना वो भी लिजार्ड, जबकि लिजार्ड से यहाँ होती भी नहीं है। ये मगरमच्छ है या लिजार्ड है? छिपकली लग रही है मुझे तो, बाथरूम वाली। वो यहाँ तो होती नहीं है ना छिपकली। कुछ बोलना चाहेंगे? वैसे यहाँ साउंड बहुत तेज आएगा पानी का, फिर भी ख्याल में आज के लिए मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। व्यू तो इधर है तो यहाँ पानी की बहुत तेज साउंड। कोई बात नहीं, व्यू तो दिखा दें, आज के लिए बहुत कुछ सीख लिया है ना, फिर भी हाँ, बहुत और एडिट करके देखेंगे अगर अच्छा आ जाए तो मजा। इस वीडियो में डाल भी दूंगी थोड़ा आपको हाईलाइट देने के लिए कि एक्चुअली हमने आज क्या किया है, तो थोड़े बहुत क्लिप्स आज डाल देंगे आप लोगों के लिए। चलो आप घर चलते हैं, थोड़ा चाय कॉफी वगैरह पियेंगे। क्या कर रही हो? बहुत दिन बाद दीपक मुझे डेट पे लेके आया और हम लोग कॉफ़ी पीने आए हैं। और कॉफ़ी कल्चर आपको पता ही है यूरोप का बहुत ही स्ट्रांग है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो कॉफ़ीज़ होती हैं ये बहुत टेस्टी होती हैं तो नहीं, इसकी धीरे धीरे आदत पड़ती है। जब पहली बार मैंने पी थी तो बहुत कड़वा टेस्ट था, है ना। धीरे धीरे आदत पड़ती है, लाइक ब्लैक कॉफ़ी, जैसे ब्लैक कॉफ़ी की धीरे धीरे आदत पड़ती है वैसे इनकी। तो आज हम बहुत दिन बाद रेस्टोरेंट में बैठ के एक कॉफ़ी ट्राई कर रहे हैं। राइट। वो जिस हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं वो बहुत नया है, तो उनका जो मेन्यू है वो भी अभी नहीं आया है, और अभी बिकॉज आज ठंड है तो इन लोगों ने ब्लैंकेट वगैरह ला के दे दी है। ये देखो ब्लैंकेट वगैरह है, अब हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं। तो बहुत हो गई, कुकड़ी बन गई। हम लोग वहाँ 4 घंटे से बैठे हुए और 4 घंटे बाद बहुत ठंड लग रही है, कब की छूट रही है, कितने टेम्परेचर कितना है, और अब बज चुके हैं, कितना टाइम हो गया, 8 बज गए हैं। तो अब घर जाके खाने वाना की तैयारी करेंगे, आज जिम से छुट्टी। 11-12 डिग्री है रियल फील। हाँ तो 12 डिग्री ठंडा है यार, पिछले हफ्ते 32 था, 32 मतलब 20 डिग्री का वेरिएशन। बीमार ना हो तो क्या हो। दीपक कैसा भागा भागा भागा। तो आज का वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर। थक गई, बाय। नेक्स्ट टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।